हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रैवल टेक हिंदी में। आज मेरे पास एक प्रोडक्ट आया है रिव्यू के लिए। वो प्रोडक्ट है पावर बैंक। 10,000 mAh की कैपेसिटी के साथ ये पावर बैंक आता है और ये प्रोडक्ट 20 वाट की पावर आउटपुट के साथ भी आता है। और सबसे बड़ी बात, ये है एक इंडियन प्रोडक्ट। तो वीडियो को शुरू करता हूँ मैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बताऊँगा आपको इस प्रोडक्ट की और प्राइस जानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि प्राइस ये जो है वो है वैल्यू फॉर मनी बाकी चाइनीज़ कंपनी के कंपैरिजन में। चलो वीडियो को करता हूँ मैं शुरू छोटी सी इंट्रो के बाद। सो फ्रेंड्स, आपने मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, बहुत सारे पावर बैंक देखे होंगे। कंपनीज़ का नाम मैं ले लेता हूँ, MI का देखा होगा, Xiaomi का, और आपने देखा होगा OnePlus का, इसके साथ आपने देखा होगा Realme का। बट इनके प्राइस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं और स्पेसिफिकेशन भी लो है एज़ कम्पेयर टू जो मेरे पास आज प्रोडक्ट आया है उसके। तो जो मेरे पास प्रोडक्ट आया है वो है एक इंडियन ब्रांड। इंडियन ब्रांड पर ट्रस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि हमें सपोर्ट करना है एक इंडियन ब्रांड को। ये इंडियन ब्रांड कोई नया ब्रांड नहीं है, काफ़ी सालों से मार्केट में है ये, और इसका रिव्यू जो है वो काफ़ी अच्छा है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, इसका जो रिव्यू लोगों ने रिव्यू दे रखे हैं, जो यूज़र्स हैं उन्होंने रिव्यू दे रखे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा है ये प्रोडक्ट और कौन सी है कंपनी। तो फ्रेंड्स, ये रहा एम्ब्रेन कंपनी का 10,000 mAh की कैपेसिटी का पावर बैंक। सर रविंदर जडेजा इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये प्रोडक्ट अच्छा है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हूँ, ज़्यादा बातें ना करते हो, इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है इसके बॉक्स में। चलो देखते हैं। नीचे से आपको पुश करना है इस बॉक्स को, कुछ इस प्रकार से ये बाहर निकल के आएगा। ऐसे निकाल दीजिए इसको और इसको यहाँ से करिए ओपन। ये रहा प्रोडक्ट। सबसे पहले जो ऊपर रखा हुआ पावर बैंक। अब एक बात देखिए, ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और जिस प्राइस रेंज में ये आता है उस प्राइस रेंज में ये केस देना बहुत बड़ी बात है। एक चाइनीज़ कंपनी जो इतने पैसे हमसे चार्ज कर रही है वो अभी तक ये हमें केस भी प्रोवाइड नहीं कर पाती है। ये रहा पावर बैंक। देख लीजिए इसकी बिल्ड क्वालिटी, देखिए आप बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही ऑसम है। इसमें दो आउटपुट एक इनपुट का ऑप्शन है। जो इनपुट है वो है एक सी टाइप, इनपुट आउटपुट सी टाइप से। अगर आपको इसको चार्ज करना है तो सी टाइप चार्जर से ही ये चार्ज होगा। और आउटपुट के लिए एक 2.0 की USB चार्जिंग है इसमें। और इसको अगर आपने आईफोन है आपके पास तो आईफोन भी आप चार्ज कर सकते हो इसके साथ। आईफोन के लिए ये जो सी टाइप है इससे इनपुट भी आउटपुट भी। यहाँ पे एक बटन दिया गया है, बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ LED शो होंगी। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये 3 LED आपको शो हो रही होंगी। इसमें टोटल 4 LED हैं। चारों LED अगर ग्लो हो रही हैं तो ये फुली चार्ज है। अगर ये 3 हैं तो एक इसकी बैटरी अभी डाउन है। सो फ्रेंड्स, ये तो थी मेन यूनिट जो कि पावर बैंक थी। अभी बॉक्स में आपको दिखाता हूँ और क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं। तो जो सेकंड नंबर पे एसेसरीज हमारे पास हैं वो है पावर केबल। ध्यान से देखिए इस पावर केबल को। ये पावर केबल नॉर्मल पावर केबल जैसी नहीं है, ब्रेडेड है, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगी। जो चाइनीज़ कंपनी हमें प्रोवाइड करती हैं वो सिंपल रबड़ की पावर केबल होती है। ये जो पावर केबल है ये ब्रेडेड है, ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगी, काफ़ी लंबे टाइम तक आपके पास चलेगी है। और जब तक पावर बैंक चलेगा ऑब्वियस है ये पावर केबल भी चलेगी। उसके बाद आपको मिलता है एक वारंटी कार्ड, फिर मिलता है आपको यूज़र मैनुअल। ये कुछ तो था बॉक्स में। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस प्रोडक्ट का प्राइस। जो बॉक्स पे प्राइस मेंशन है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए।
बॉक्स पे जो प्राइस है वो है 1599, मतलब 1600 के करीब ये प्रोडक्ट आपको एक्चुअल में देखने को मिलता है। बट जो ये मार्केट में या फिर ऑनलाइन परचेजिंग पे आपको मिलेगा, ये मिलेगा केवल 450 का। जी हाँ, जहाँ मार्केट में इसी प्रोडक्ट का मिलती जुलती स्पेसिफिकेशन, मिलती जुलती भी नहीं कह सकता, जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं 18 वाट की जो पावर आउटपुट है वो प्रोवाइड कर रही हैं, बट ये जो प्रोडक्ट है ये 20 वाट की पावर आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। तो प्राइस पे कंपैरिजन कीजिए आप एक बार, कहाँ 450, कहाँ 900 से स्टार्टिंग होती है उन प्रोडक्ट की, जो रियलमी MI या फिर वन प्लस के जो प्रोडक्ट हैं 900 से उनकी स्टार्टिंग है। उसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती फास्ट चार्जिंग। इस प्रोडक्ट में 450 में आता ही क्या है, अगर आप एक मोबाइल की बैटरी लेने भी जाओ तो वो भी आपको 600 से लेके 1000 के बीच में मिलेगी, वो भी लोकल कंपनी की। और ये तो एक ब्रांडेड कंपनी है, इंडियन कंपनी है, काफ़ी टाइम से मार्केट में है, तो क्यों ना हम ये प्रोडक्ट लें, इंडियन कंपनी को क्यों ना सपोर्ट करें हम। इसमें एक और प्रोडक्ट भी आता है 20,000 mAh का, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 1000 का वो प्रोडक्ट है। अगर आपको सेल के दौरान ये मिलता है तो वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा अराउंड 900-950 के अराउंड, और ये प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट करके जो सेल के दौरान, या वैसे भी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन से, तो ये प्रोडक्ट आपको मिल सकता है 450 की रेंज में। मैंने खुद ये प्रोडक्ट 450 की रेंज में परचेज़ किया है। और सबसे बड़ी बात जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी जो मैंने इन हैंड फील है, जो आप इस प्रोडक्ट को हाथ में पकड़ोगे तो आपको फील होगा कि ये 450 की रेंज का प्रोडक्ट तो है ही नहीं बिल्कुल, जिस प्रकार की इसकी प्राइसिंग है बिल्कुल भी नहीं है। ये 10,000 mAh का ये कैपेसिटी के साथ आता है, आपके फ़ोन को ये दो बार, अगर आपकी 4,000 mAh की या 4,500 mAh की बैटरी है फ़ोन की, तो आपको फ़ोन को दो बार तो चार्ज ये कर देगा। 30 मिनट में ये 50% चार्ज कर देता है फ़ोन को। मल्टी लेयर प्रोटेक्शन है इसमें, सर्किट की मल्टी लेयर प्रोटेक्शन है इसमें। जो इस प्रोडक्ट को चार्ज करने का टाइम है वो है 4.5 घंटे का। जी हाँ, 4.5 घंटे में कंप्लीट चार्ज हो जाता है और आपके फ़ोन को 2 या 2.5 बार चार्ज कर देगा आराम से। इस प्रोडक्ट में एक और टेक्नोलॉजी है, पावर डिलीवरी टेक्नोलॉजी। ये प्रोडक्ट आता है 180 दिन की, मतलब 6 महीने की वारंटी के साथ। 6 महीने में अगर इस प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आती है, इसकी बैटरी में कोई इशू आता है, चार्जिंग में इशू आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक करके आपको नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोडक्ट रिप्लेस होगा। 180 दिन तक आप निश्चिंत हो जाइए कि कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन और अनबॉक्सिंग थी इस एमरेन 10,000 mAh पावर बैंक की। अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में ये अवेलेबल है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। नहीं भी अच्छा लगा फिर भी सब्सक्राइब कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। फिर से मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।